हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, मैं ऑलरेडी क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का ऑलरेडी आपको 9 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। आज है लेक्चर नंबर 10। आज हम पढ़ेंगे लेंसेज के बारे में। क्या लिखा है बच्चों, व्हाट इज लेंस, लेंस क्या है? देखिए बच्चों, लेंस का डेफिनेशन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। द लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल सच एज ग्लास और प्लास्टिक। जो लेंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ एक पीस होता है। जैसा कि बच्चों हमारे पास ग्लास ट्रांसपेरेंट है और प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट है, इसी तरह हमारे पास लेंस क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। और उसका काम क्या है बच्चों, उसमें रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है और लाइट रेज को फोकस करता है और क्या करता है, ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, लेंस का डेफिनेशन है। लेंस का डेफिनेशन क्या है बच्चों, लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। जैसा कि हमारे पास ग्लास ट्रांसपेरेंट हो गया, प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट हो गया, इसी तरह हमारे पास लेंस क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो क्या करता है, जो लाइट रेज को फोकस करता है और ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है। देखिए बच्चों, लेंस हमारे पास दो तरह के होते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेंस कितने तरह के होते हैं बच्चों, जो लेंस है वो दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास बच्चों टू टाइप्स है, एक बच्चों हमारे पास है कॉनवेक्स लेंस, दूसरा हमारे पास क्या है, कॉनकेव लेंस। कॉन कैव लेंस बच्चों, कॉनवेक्स लेंस जो है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। याद रखना बच्चों, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, और कॉनकेव को क्या कहते हैं, डायवर्जिंग लेंस। डायवर्जिंग लेंस बच्चों, कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं इसको, तो कन्वर्ज का मतलब एक पॉइंट में सारे लाइट रेज को मिलाना, उसे कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। तो जो कॉनवेक्स क्या कहता है, जो लाइट रेज आ रहे हैं और सारे लाइट रेज को एक ही पॉइंट में क्या करेगा, फोकस करेगा, इसलिए इसे कॉनवेक्स कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। और जो कॉनकेव क्या कहता है, जो लाइट रेज आ रहे हैं एक पॉइंट पे उनको आपस में दूर कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, इसलिए बच्चों कॉनकेव क्या कहते हैं, कॉनकेव कहा जाता है डाइवर्जिंग लेंस। देखिए बच्चों, मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है कॉनवेक्स का, और ये हमारे पास क्या है स्ट्रक्चर, आप देख रहे हैं बच्चों, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है कॉनकेव लेंस का। बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया, कॉनवेक्स हो गया, ये क्या हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया। तो बच्चों ये क्या करता है, जो कॉनवेक्स लेंस है, जो भी लाइट रेज आए, जो भी लाइट रेज सारों को एक पॉइंट में क्या करता है, कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट में सारे लाइट रेज को आपस में मिलाता है, इसलिए बच्चों से कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्या कहते हैं इसको, कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि जो लाइट रेज आ रहे हैं उन सारे लाइट रेज को एक पॉइंट में क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। लेकिन जो कॉनकेव क्या करता है, जो लाइट रेज आ रहे हैं उनको आपस में दूर कर देता है या डाइवर्ज करता है। देखिए बच्चों, सपोज करें एक लाइट रेज यहाँ से आ रहा है, तो लाइट रेज यहाँ से आ रहा है, तो जो ये क्या करेगा, इस लाइट रेज को ऐसे डाइवर्ज करेगा, इस लाइट रेज को ऐसे डाइवर्ज कर रहा है। तो आप देख रहे हैं लाइट रेज क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, एक पॉइंट में नहीं मिल रहे, इसलिए बच्चों कॉनकेव को क्या कहते हैं, कॉनकेव को कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। जो इसका और भी डिफरेंस है, देखिए बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये हमारे पास क्या हो गया कॉनवेक्स लेंस, ये हमारे पास क्या हो गया कॉनकेव। तो कॉनकेव लेंस जो है, ये हमारे पास कॉनवेक्स हो गया, ये क्या हो गया कॉनकेव हो गया। जो कॉनवेक्स लेंस है वो सेंटर पे क्या होता है, जैसे डेफिनेशन ये है, सेंटर पे थिक होता है। क्या होता है बच्चों, सेंटर पे थिक, एजेस पे क्या होता है, साइड्स पे क्या होता है, साइड्स पे या एजेस पे, या हम एजेस कहें तो बच्चों एजेस पे ये थिन होता है। ये क्या होता है बच्चों, ये जो सेंटर पे थिन और उसके एजेस क्या होते हैं, इसके एजेस जो है वो थिक होते हैं। ओके बच्चों, इसकी सेंटर क्या होता है, मुझे देखिए इसका सेंटर ज्यादा है, इसका सेंटर कम है, इसलिए इसका सेंटर थिक है, इसका सेंटर क्या है थिन है। इसकी साइड्स जो है वो पतली, बहुत पतली साइड्स है, इसलिए ये क्या होते हैं, थिन होते हैं। इसकी जो साइड्स है थोड़े ज्यादा बड़े साइज है, इसलिए क्या कहते हैं इसको थिक, एजेस क्या होते हैं थिक होते हैं। और बच्चों जो कॉनवेक्स लेंस है, ये क्या है, मैं यहां लिखूं कॉनवेक्स है, और ये क्या है कॉनकेव है, जिसका और भी डिफरेंस ऐसा कुछ मैंने आपको कहा था। कॉनवेक्स क्या कहते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं कॉनवेक्स को कहा जाता है कन्वर्जिंग लेंस। क्या कहते हैं इसको, कन्वर्जिंग लेंस। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है डायवर्जिंग लेंस।
डाइवर्जिंग लेंस। और चलिए हमारे पास क्या हो गया, लेंस। लेंस की दो टाइप्स है, एक होता है कॉन्वेक्स, दूसरा होता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस को आ जाता है कन्वर्जिंग लेंस, कॉनकेव को आ जाता है डाइवर्जिंग लेंस। क्योंकि कॉन्वेक्स क्या करता है, सारे लाइट रेज को एक पॉइंट में कन्वर्ज करता है, और कॉनकेव क्या करता है, जो लाइट रेज आ रहे हैं उनको आपस में डिस्पर्स करता है, या उनको आपस में क्या करता है, डाइवर्ज करता है। जो आप देख रहे हैं ये डाइवर्ज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। चौथा डिफरेंस क्या है, कॉन्वेक्स जो सेंटर पे क्या होता है, थिक, साइड्स पे थिन, और उसे क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। कॉनकेव क्या होता है, सेंटर पे थिन होता है, साइड्स पे या एजेस पे थिक, और उसे क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। लेकिन बच्चों इसकी और भी टाइप्स है, कॉन्वेक्स की भी तीन टाइप्स है, कॉनकेव लेंस की भी तीन टाइप्स है, चलो उनको पढ़ते हैं। देखिए मुझे, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। कॉनकेव की हमारे पास तीन टाइप्स है, और कॉनवेक्स की हमारे पास क्या है, तीन टाइप्स है, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखिए बच्चों, सपोज हमारे, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ, कॉनवेक्स लेंस उसकी टाइप्स, ओके। देखिए बच्चों, एक हमारे पास ये है, एक टाइप ये होता है कॉनवेक्स लेंस का। इसे बच्चों क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बच्चों डबल कॉनवेक्स लेंस। क्या कहते हैं, डबल कॉनवेक्स लेंस, ओके बच्चों। या ऐसे कहते हैं बाय कॉनवेक्स लेंस, दोनों साइड कॉनकेव कॉनवेक्स है, तो बाय कॉनवेक्स लेंस, ओके बच्चों, डबल कॉनवेक्स लेंस या बाय कॉनवेक्स लेंस। सेकंड क्या होता है, सेकंड बच्चों हमारे पास होता है इस तरह, आप देख रहे हो बच्चों, एक साइड प्लेन है, दूसरा साइड क्या है, कॉनवेक्स है। इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं प्लेनो कॉनवेक्स। क्या कहते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ओके बच्चों, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तीसरा क्या होता है बच्चों, तीसरा हमारे पास कुछ इस तरह होता है बच्चों, इस तरह होता है बच्चों। देखिए बच्चों, आप क्या कर रहे हैं, इन साइड क्या है हमारे पास, एक साइड से कॉन्वेक्स है, दूसरा साइड कॉनकेव है। एक साइड क्या है हमारे पास, कॉनकेव है, दूसरा साइड कॉन्वेक्स है। और सही बनाओ बच्चों, मैं यहां बना रहा हूं, जैसे आप देखें ये हमारे पास ऐसे, जैसे क्या कहते हैं, देखिए बच्चों, एक साइड से कॉनकेव जैसा दिखाई दे रहा है, दूसरा साइड कॉनवेक्स जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए हम जैसे क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं कॉनकेवो कॉनवेक्स लेंस, याद रखना बच्चों। और जो देखिए कॉनवेक्स लेंस की तीन टाइप्स है, एक को कहते हैं डबल कॉनवेक्स लेंस या बाय कॉनवेक्स लेंस, और या दूसरा बच्चों हमारे पास क्या है, प्लेनो कॉनवेक्स लेंस, तीसरा हमारे पास क्या है, कॉनकेवो कॉनवेक्स लेंस। तो बच्चों ये हमारे पास तीन टाइप्स हो गए कॉनवेक्स लेंस की। देखिए बच्चों, ये इनकी ज्योमेट्री है, ये डबल कॉनवेक्स लेंस हो गया, ये प्लेनो हो गया, ये कॉनकेवो कॉनवेक्स लेंस हो गया, इनका ज्योमेट्री है। लेकिन बच्चों इनका नेचर सेम ही रहेगा, नेचर का मतलब बच्चों, कॉनवेक्स क्या करता है, डाइवर्जिंग लेंस है, इसलिए जो डबल कॉनवेक्स लेंस होगा वो भी कॉनवेक्स क्या होता है बच्चों, कन्वर्जिंग। तो जो डबल कॉनवेक्स लेंस है वो भी कन्वर्ज करेगा लाइट रेज को, प्लेनो क्या करेगा वो भी कन्वर्ज करेगा, कॉनकेवो क्या करेगा वो भी कन्वर्ज करेगा। इनका नेचर सेम रहेगा, लेकिन ज्योमेट्री के हिसाब से इनकी तीन टाइप्स होते हैं। चले बच्चों, कॉनकेव की तीन टाइप्स है, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, कॉनकेव लेंस। जो कॉनकेव लेंस कितने टाइप्स है, तीन टाइप्स है। फर्स्ट वो जो हमारे पास ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट टाइप, और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डबल कॉनकेव लेंस। इसे क्या कहेंगे बच्चों, डबल कॉनकेव लेंस, या इसे कहेंगे बाय कॉनकेव लेंस। तो ये हमारे पास हो गया डबल कॉनकेव लेंस या बाय कॉनकेव लेंस। इसके बाद बच्चों हमारे पास क्या होता है, एक होता है प्लेनो कॉनकेव लेंस। देखिए बच्चों हमारे पास ये एक साइड जो क्या है प्लेन है, दूसरा साइड हमारे पास क्या है, जो आप देख रहे हैं साइड प्लेन है, दूसरा साइड क्या है कॉनकेव, इसे कहते हैं प्लेनो कॉनकेव। क्या कहते हैं इनको, प्लेनो कॉनकेव लेंस। लास्ट क्या होता है, जो लास्ट हमारे पास होता है कॉनवेक्सो कॉनकेव। वहां क्या था, वहां था कॉनकेवो कॉनवेक्स लेंस, यहां क्या होगा
कॉन्वेक्सो कॉनकेव, तो मैं यहां लिख रहा हूं। सपोज के मुझे हमारे पास क्या है ये लेंस, इसका एक साइड क्या होगा, मुझे एक साइड आप देख रहे हैं एक साइड कॉनवेक्स जैसा है, दूसरा साइड कॉनकेव जैसा है, इसलिए इसे कहते हैं कॉनवेक्सो कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनवेक्सो कॉनकेव लेंस। मुझे हमारे पास क्या हो गए, कॉनवेक्स लेंस की टाइप्स, ये हो गए कॉनकेव लेंस की टाइप्स। मुझे मैं देखूं ये दिखाई दे रहा नहीं, ये मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है आपको ये सारी चीजें। देखिए मुझे हमारे पास ये कान क्या हो गए कॉनवेक्स लेंस की, ये क्या हो गए कॉनकेव लेंस की टाइप्स हो गए। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गए होंगे। चलिए बच्चों मैं इनको नरेज करता हूँ और कुछ टर्म्स है वो समझाऊंगा आपको। देखिए बच्चों हमारे पास ये है क्या है, ये हमारे पास हो गया एक कॉनवेक्स लेंस। बच्चों का यहाँ एक लाइन में बना रहा हूँ, बच्चों इस लाइन क्या कहते हैं, यहाँ वो जो ऑप्टिकल सेंटर होगा। बच्चों जो लाइन है इस लाइन क्या कहते हैं, आर्ट इमेज में बच्चों जब मैं आपको पढ़ा रहा था मिरर पढ़ा रहा था वहां मैंने आपको समझाया था, इसके कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या होगा लाइन, ये होगा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो लाइन है इसे क्या कहेंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके बच्चों वहां क्या था, कान जब मैं आपको मिरर पढ़ा रहा था वहां मैंने समझाया था उसकी फोकस कहाँ होता है, फोकल पॉइंट कहाँ होता है, तो जो वहां एक साइड पे था फोकल पॉइंट। लेकिन ये हमारे पास क्या है, मिरर है, इसके दोनों तरफ क्या हो सकते हैं, फोकल पॉइंट हो सकते हैं। तो जो मैं यहाँ एक पॉइंट ले रहा हूँ, सपोज इसे मैं कहता हूँ फोकल पॉइंट, और जो इसे मैं कहता हूँ एफ वन। जो यहाँ क्या था, आपने मिरर जब पढ़ा वहां पढ़ाया था वहां मैंने क्या समझाया था बच्चों, वहां मैंने आपको समझाया था जो सी, मुझे क्या था एक सी था जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते थे, लेकिन मुझे यहाँ हम सी नहीं लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे टू एफ वन लिखेंगे। मुझे याद रखना ये हमारे पास फोकस हो गया एफ वन, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया जिसे हमें क्या कहते हैं टू एफ वन कहते हैं। अच्छा हमारे पास लेंस है, लेंस के दोनों तरफ फोकस पॉइंट हो सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ भी एक फोकस बनाऊंगा एफ, मुझे ये था एफ वन उसे क्या कहूंगा एफ टू, जो आगे फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर जो आगे भी होगा उसे क्या कहूंगा सी, लेकिन मैं सी यहाँ नहीं लिखूंगा, यहाँ क्या लिखूंगा सी की जगह पे बच्चों टू एफ टू लिखूंगा। तो बच्चों ये याद रखना कि हमारे पास क्या होता है, कॉनवेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो उनकी दोनों तरफ क्या होते हैं, फोकल पॉइंट होते हैं या फोकस पॉइंट होते हैं, एक को एफ वन कहते हैं दूसरे को टू एफ वन, और साइड जो है इसको एफ टू कह रहे हैं उसको टू एफ टू कहेंगे। मुझे कुछ टर्म्स हैं, मुझे ये जो आप देख रहे सेंटर ऐसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, तो ये कुछ टर्म्स से आप इन टर्म को याद रखें। इसके बाद जो जो वीडियो होने वाला है उसमें आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इमेज फॉर्मेशन ऑन लेंसेज, बच्चों हमारे पास कॉनकेव और कॉनवेक्स लेंस पे इमेज कैसे बनाया जाता है, तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द जो वो वीडियो मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। चले बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके बच्चों।